अगर आप ये सोच रहे हैं कि किसी भी 360 डिग्री फोटो से ट्राइपॉड को कैसे हटाया जा सकता है और बड़ी इजी तरीके से, तो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। देखो, जैसे कि ये वाला जो आप देख रहे हो, ये हेड है मेरे ट्राइपॉड का और काफ़ी बड़ा आया हुआ, क्योंकि कैमरा से इसका जो साइज़ है बेसिकली हेड का वो बड़ा है, इसलिए आप देख सकते हैं नीचे आ गया इतना सारा। तो इसको इजीली रिमूव करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, किसी भी फोटोशॉप अगर वर्जन यूज़ कर रहे हो तो आपको जाके इमेज को 180 डिग्री रोटेट करना होगा। तो जैसे ही 180 डिग्री रोटेट करेंगे, रोटेट करने के बाद हमें दूसरा स्टेप जो करना है वो ये करना है कि हमें उस फोटो को जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो पोलर क्रिएट करने हैं, उसके रेक्टेंगुलर अभी है इसको पोलर बनाना है फोटो को। तो जैसे कि अगर मैं ये एलिमेंट 10 यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे आप जाएंगे तो डिस्टोर्ट में ये आप देख सकते हैं ऑप्शन यहाँ पे पोलर कोऑर्डिनेट्स का। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स पे क्लिक करूँगा तो ये आपसे पूछेगा कि इसको रेक्टेंगुलर से पोलर बनाना है या पोलर से रेक्टेंगुलर। तो मेरे को सिलेक्ट करना है यहाँ से पोलर से रेक्टेंगुलर टू पोलर, क्योंकि ये जो फोटो थी हमारी रेक्टेंगुलर थी। ओके दबाएंगे तो ये फोटो कुछ ऐसी बन जाएगी। अब सिंपली आपको क्या करना है, अब इसको आप जूम करके अपने ट्राइपॉड को जो हेड है आप इजीली विजिबल हो जाएगा। लेकिन ये तो सबसे बेकार केस कह सकता हूँ मैं, क्योंकि इससे अच्छा केस तो अगर आप कोई छोटा ट्राइपॉड अगर यूज़ करते हैं तो जो इसका माउंट होगा या बेसिकली हेड होगा बहुत छोटा होगा, जिसको इजीली रिमूव किया जा सकता है। अब आप फोटोशॉप की हेल्प से अगर थोड़ी बहुत भी एक्सपर्टीज आपकी है तो आप इस जो ट्राइपॉड है इसको इजीली रिमूव कर पाएंगे। और रिमूव करने के बाद आपको क्या करना है, तो चलिए मैं काम करता हूँ, मैं पहले इसको रिमूव कर देता हूँ और फिर आगे का स्टेप आपको समझाता हूँ। तो जो ब्रश टूल था उसकी हेल्प से मैंने इस ट्राइपॉड को रिमूव कर दिया। ज़्यादा क्लीनिंग का टेंशन नहीं लिया अभी, क्योंकि वैसे भी मैं आपको बता दूं मैं कोई फोटोशॉप एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट ये जो तरीका था मेरे को बड़ा इजी लगा, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। तो अब वापस अगर ये जो पोलर फोटो है उसी के कोऑर्डिनेट्स हमें चेंज करने पड़ेंगे, उसको वापस रेक्टेंगुलर बनाना हो तो उसके लिए हमें क्या करना है, वापस वही सेम मेथड। अब हम फिल्टर में जाएंगे, डिस्टोर्ट में जाके हमने जो पोलर कोऑर्डिनेट्स जो रेक्टेंगुलर टू पोलर सेलेक्ट किए थे, अब हम पोलर टू रेक्टेंगुलर बैक सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे और वही प्रोसेस जो है रिवर्स कर देंगे कि अब रोटेट वापस 180 डिग्री करेंगे तो जो फोटो है हमारी वो एक्चुअल साइज में आ जाएगी और एक्चुअल दिखेगी। और अब आप देखेंगे इसमें जो ट्राइपोड्स हैं वो कम्प्लीटली रिमूव हो गया। तो अगर आप नॉर्मल छोटा मोनोपोड वगैरह यूज़ करते हैं तो आपके लिए ये जो तरीका है बहुत ही ईजी होने वाला है। आप इसको जो एडवांस फोटोशॉप है या नए वाले जो फोटोशॉप हैं उनमें आप क्या कर सकते हो कि रिकॉर्ड कर सकते हो और इजीली अपने बाकी फोटोज़ पे भी यूज़ कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए।